हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम सीखेंगे वचन। वचन की परिभाषा क्या होती है? तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सीखा था और संज्ञा को के सभी भेद सीखे थे। तो अभी हम सीखेंगे वचन। तो वचन शब्द के जिस रूप से एक या अथवा अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, किताब, किताबें। हिंदी में वचन दो होते हैं। वचन की पहचान संज्ञा अथवा क्रियापदों से होती है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जहाँ पर किसी एक वस्तु का बोध हो रहा है, जैसे कि किताब, दुकान, कलम, कागज आदि। बहुवचन, जहाँ एक से अधिक बोध होता है वह बहुवचन होता है, जैसे किताबें, कलमें, दुकानें आदि। गण्य तथा अगण्य संज्ञा शब्द। कुछ संज्ञाओं की गिनती की जा सकती है और कुछ की नहीं। उदाहरण के लिए किताबें, चारपाई, तकिए आदि ऐसी संज्ञाएं हैं जिसको हम गिन सकते हैं, लेकिन दूध, पानी, दही आदि को गिना नहीं जा सकता। इनकी तो केवल नापतौल ही कर सकते हैं। जिन संज्ञाओं की गिनती की जा सकती है वे गण्य संज्ञा शब्द कहे जाते हैं, तथा जिनकी गिनती करना संभव नहीं है उनको अगण्य संज्ञा शब्द कहते हैं। दोनों प्रकार की संज्ञाओं में प्रमुख अंतर इस प्रकार है। गण्य संज्ञा, जिस इनकी गिनती करके बताया जा सकता है कि कौन सा समूह बड़ा है और कौन सा छोटा। अगण्य संज्ञा, इनकी गिनती नहीं की जा सकती, केवल नाप तौल कर के बताया जा सकता है कि कौन अधिक है और कम है। इनके साथ संख्यावाची विशेषणों का प्रयोग हो सकता है, जैसे कि 10 किताबें, 5 लड़के आदि। इनके साथ केवल परिणामवाची विशेषण ही लग सकते हैं, जैसे बहुत आटा, 5 लीटर तेल आदि। जातिवाचक संज्ञाएं इस वर्ग में आती है। इस वर्ग में समूहवाचक संज्ञाएं आती है। जैसा हमने संज्ञा में पहले ही पढ़ चुके हैं कि जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती है, तो यहाँ पर हमने सीखा वचन क्या होता है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करता है वचन बदलने में या वचन जानने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर आप कमेंट करके हमें बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।